वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के विलय का ऐलान किया। इस विलय के बाद अब देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के ही बैंक रह गए। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि 6 छोटे छोटे बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सहयोगी बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। आपको बता दें कि देश में 2017 तक 27 सरकारी बैंक थे, जिनकी संख्या 2019 में घटकर 12 रह गई। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से बैंक होंगे और उसका आकार क्या होगा। SBI अभी देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसकी कुल पूंजी 52.05 लाख करोड़ रुपए है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया जा रहा है। विलय के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा, जिसका बिजनेस 17.95 लाख करोड़ रुपए का होगा। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसकी कुल पूंजी 16.13 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि इस बैंक में विजया बैंक और देना बैंक का मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही विलय किया जा चुका है। इसके अलावा केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया जा रहा है। इस बैंक का आकार 15.20 लाख करोड़ रुपए का होगा और इस देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय के बाद ये पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इसका कुल कारोबार 14.59 लाख करोड़ रुपए का होगा। बैंक ऑफ इंडिया देश का छठा सबसे बड़ा बैंक है और इसमें किसी भी बैंक का विलय नहीं किया जाएगा। इसकी कुल पूंजी 9.3 लाख करोड़ रुपए है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा, जिसकी पूंजी 8.8 लाख करोड़ रुपए होगी। सेंट्रल बैंक में भी किसी बैंक का विलय नहीं किया जाएगा। इसका आकार 4.68 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक की कुल पूंजी 3.75 लाख करोड़ रुपए, यूको बैंक की कुल पूंजी 3.17 लाख करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कुल पूंजी 2.34 लाख करोड़ रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक की कुल पूंजी 1.71 लाख करोड़ रुपए की होगी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि बैंकों के मर्जर से आखिर क्या होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि बैंकों के विलय से क्या होगा। बैंकों का आकार बढ़ने से कर्ज देने की लागत कम होगी और बैंकों की स्थिति में सुधार होगा। मर्जर से आकार बढ़ता है और बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि छोटे बैंकों पर अगर NPA का बोझ बढ़ता है तो वो नुकसान में चला जाता है। अगर बैंक के कुछ कस्टमर्स डिफॉल्टर भी हो जाते हैं तब भी बैंक के कामकाज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब आपको बैंकों के विलय के इतिहास के बारे में विस्तार से बताते हैं कि ऐसा कब कब किया गया। स्टेट बैंक की नींव 1806 ईस्वी में रखी गई थी और उस वक्त इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ करता था। 1921 में 3 बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आपको बता दें कि बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा फैसला जुलाई 1969 में किया गया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। हालांकि 1960 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 8 स्टेट एसोसिएट बैंक का कंट्रोल दिया गया था। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे पहले 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय पहली बार 1980 के दशक में हुआ था, जब पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।